मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। तैयार हो चुकी हूँ, निकल रहे हैं हम एक स्पेशल जगह जाने के लिए। कुहू भी एक्साइटेड है कि बहुत छोटी थी कुहू तब वहाँ गई थी। जा कहाँ रहे हैं वहीं जाके बताएंगे। और मेरा लुक देख के आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि मैं इस तरह से क्यों तैयार हूँ। तो चलिए चलते हैं। This is business. सारी पैकिंग हो चुकी है तो अब वक्त है बलियंस को अलविदा कहने का। बाय बाय बलियंस, बहुत अच्छा स्टे था हमारा। तो चेकआउट हो चुका है होटल से, निकल चुके हैं जाने के लिए अपने गांव। जी हाँ, हम जा रहे हैं अपने गांव और आपको भी लेकर के चलते हैं। मतलब मेरे जो इन-लॉज हैं वहां रहते हैं और वहाँ का क्या माहौल है, किस गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको वहाँ जा करके बताते हैं। तो चलिए रुको जरा। इन-लॉज से मेरा मतलब है हमारे चाचा और चाची, चाचा ससुर जी और चाची जी वहाँ रहते हैं, उनके घर जा रहे हैं। गांव है, वहीं सब का बचपन बीता है और घर था वो। तो अब सारी चीजें किस तरह से हैं एक बार चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और मैं कैमरा ऑन करूं गड्ढे ना, ऐसा हो नहीं सकता। बाकी माँ पिताजी जो हैं वो बनारस में रहते हैं, एज यू नो आप सब लोग जानते हैं। तो अभी जाया जा रहा है गांव। गांव बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा है। मोहम्मदाबाद नाम है उस गाँव का, गाजीपुर में पड़ता है ये मोहम्मदाबाद। वहां से ही है हमारे पांडे जी। अरे आप भी, हाँ तुम भी तो वहीं की कहलाओगी। चलो चले मितवा। हम पहुंच गए थे अपने गांव, आई लव मोहम्मदाबाद में। जी हाँ, शादी के बाद तो भाई ये मेरा भी उतना ही है जितना पांडे जी का है। ये यहाँ का चौराहा था, हमें जाना था आगे क्योंकि चौराहे से कुछ दूर पे ही घर पड़ता है। थोड़ा दूर आगे बढ़ते ही ये मोड़ आ गया जहाँ से हम घर तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाइए आप सब जो यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, जिनका दधियाल ननिहाल दोनों ही ये है। हमारे दादाजी डॉक्टर दामोदर पांडे जी का ये घर सामने आप देख रहे हैं। और ये घर उन्होंने बहुत ही पैशन से बनवाया था। घर बनवाना एक बहुत बड़ा सपना होता है और ये जब की बात मैं कर रही हूँ, मतलब आप सोच सकते हैं कितने सालों पहले की बात है और कितना सुंदर घर ये उस समय बनवाया गया होगा गांव में। इसके ठीक बगल में ये जो घर आप देख रहे हैं, ये हमारी दुआरे वाली अम्मा का घर है। सामने कितनी अच्छी जनरेशन जा रही है कि जब कुहू के पापा कुहू की एज के थे तब यहाँ आया करते थे, आज कुहू उस एज में आई है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज भी दादी दादा का घर हम जा सकते हैं, उस जगह पर उस चीज़ को फील कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पूर्वज रहा करते थे। और ये अंदर से ये एंट्री है, ये सामने का बरामदा है और बस अभी देख रहे हैं किस दरवाजे से ऊपर जाना है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोन किया गया है विवेक को, वो आकर के लेके जाएंगे। तो चलिए ये है अंदर का कुछ झलकियाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पे भी आपको लेके आऊँगी, पहले चलते हैं ऊपर चाचा चाची जी के घर पे। तो ये ऊपर की छत है, पहले इसी तरह के घर बनते थे, बीच में आंगन, चारों तरफ कमरे। सबसे पहले मिला हमें प्रसाद और ये देखिए प्यारी सी बिटिया बैठी हुई है, बहुत क्यूट है ये। ये हमारी ननद की बिटिया है और ये आई हुई है छुट्टियों में। बच्चे अगर घर में हो तो घर का माहौल ही अलग हो जाता है, रौनक अलग सी एक आ जाती है। अब ये चलना सीखी हैं पकड़ करके, तो इनका मन है कि इनको चारों तरफ कोई लेके चलता रहे। ये देखिए थोड़ा टाइम लगा लेकिन हम लोगों को भी पहचान गई और फिर खुशी खुशी खेलने लगी। बाहर इतनी धूप और गर्मी है और इनको जाना है बाहर घूमने के लिए, नानू से जिद हो रही है। और यहाँ पर देखिए ये आज सुबह पूजा में बैठी हुई थी तो हमें पता चला कि इन्होंने सीखा है पैर छूना, मंदिर के पैर छूना। तो देखिए किस तरह से अभी आपको छू के दिखाएंगी। ये
जय हो। बेड का पाया छू के उन्हें लग रहा है उन्होंने मंदिर का पैर छू लिया है। और यहाँ गर्मा गर्म कन्हैया के समोसे आ गए हैं मोहम्मदाबाद वालों, जो नानी दादी के घर आके खाया करते थे। और ये है एनिवर्सरी। भाई हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एनिवर्सरी के दिन ही हम चाचा चाची से मिलने चले गए। पता बिल्कुल नहीं था, लेकिन अच्छा बहुत लगा कि देखिए कितना अच्छा संजोग बना है कि आज चाचा चाची की एनिवर्सरी और हम लोग वहाँ पर आए हुए हैं। हैप्पी एनिवर्सरी चाची, हैप्पी एनिवर्सरी चाचा जी। शादी वाले दिन से ही चाचा चाची इतने अपने से लगे कि उन्होंने कभी मुझे ये फील होने ही नहीं दिया कि मैं उनकी बहू हूँ। मुझे हमेशा बेटी की तरह ही पैम्पर किया और बहुत अच्छे से उन्होंने हर एक चीज़ समझाई बताई। इनफैक्ट शादी के काफ़ी टाइम तक चाचा चाची रुके भी हुए थे कि मैं अच्छे से एडजस्ट कर जाऊँ वहाँ पर। तो मुझे याद है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ में चाचा चाची किस तरह से हेल्प करते थे मुझे। और चाची ने तो बहुत अच्छे से मुझे सारी चीज़ें बताई समझाई, जो रिचुअल्स होते थे घर के वो सारी चीज़ें चाची ही करती थी। और यहाँ पर केक कटिंग के बाद हम लोग भी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, यहाँ पे विवेक और जूही मतलब चाचा चाची जी के बच्चे दोनों उन्हें केक खिला रहे हैं। भाई कुहू क्यों पीछे हटेंगी, वो भी केक खाएंगी। एनिवर्सरी का एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने के बाद हम बाहर आ गए थे। अब आपको देंगे होम टूर। तो छत से हम आए छत के ही आंगन वाले एरिया में और यहाँ सामने हैं हमारे बड़े पिताजी और बड़ी माताजी, उनकी तस्वीर। और ये है छत वाला आंगन, मैं तो यही बोलूँगी, क्या बोला जाता है वहाँ पे मुझे याद नहीं है। शहरों में जैसे पेंट हाउस होते हैं ना, घर के सामने की छत, ये वैसा ही कुछ था। और यहाँ देखिए दादाजी कितने शौकीन थे, उन्होंने घर की हर खिड़की पे अपना नाम लिखाया हुआ है, डॉक्टर दामोदर पांडे नाम था उनका। ये सामने है छत वाला पोर्शन जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर वाली छत पर। हाँ हाँ, जुड़े हुए हैं भाई, घर है तुम्हारा तो वो चीज तो रहेगी हमेशा से। हाँ हमें सबसे अच्छा यही लगता है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो देख के बड़ा नॉस्टैल्जिक और बड़ा अच्छा सा उन्हें लगेगा। जब हम आए थे नीचे की तरफ तो मैंने आपको ये घर दिखाया था बाहर से। ये हमारी एक दादी थी दुआरे वाली अम्मा, ये उनका घर है। माँ अक्सर दुआरे वाली अम्मा की बातें किया करती थी तो मैंने उनके लिए ये वीडियो शूट कर लिया। उम्मीद है माँ को बहुत पसंद आएगा ये। और ये देखिए छत और बीच में आंगन। भाई पहले के मैक्सिमम घर इसी डिजाइन में बनते थे लेकिन ये कुछ अलग था। चलिए नीचे चलते हैं और आपको नीचे का भी व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर लाइन से सबके कमरे बने हुए हैं, जितनी भी बहुएं हैं यहाँ की, बेटियां हैं यहाँ की और जो भी उनके बच्चे हैं जिनका गर्मी का वेकेशन और हर एक छुट्टी त्योहार शादी यहाँ बीती है, वो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाइए क्योंकि लाइन से कमरे देखकर आपकी बचपन की यादें ताज़ा होने वाली हैं क्योंकि आपने यहाँ बहुत बहुत समय बिताया है। ये सामने जो है वो है मेरी माँ यानी सासू माँ का कमरा। और दादाजी ने ना पूरे परिवार को इतने अच्छी तरह से संजो के रखा हुआ था कि उन्होंने बड़े ही सिस्टमैटिक वे में हर रूम को नंबर के अकॉर्डिंग नाम दिया था। कमरा नंबर एक, कमरा नंबर दो। हम बोल रहे थे कि जितने भी हमारे यहाँ पे दुल्हन लोग आती हैं, हाँ हाँ, वो ये पूरब वाला दरवाजा उन्हीं, अच्छा पूरब द्वार से आती है या फिर जो भी हम लोग के जिया जी जो भी लोग दामाद करते हैं, दामाद और बहू दोनों की एंट्री पूजा यहीं से। अच्छा एंट्री बहू की। अच्छा यानी मम्मी भी यहीं से आई थी या चाची भी यहीं से आई थी और बड़े फूफा जी भी, छोटे फूफा जी। घर से बाहर जाते हुए साइड में ये भूसा वाला कमरा भी था जिसमें पहले भूसा वगैरह रखा जाता था। और एक बार फिर मैं आपको बाहर से पूरा घर दिखा रही हूँ क्योंकि विवेक मुझे बताते जा रहे हैं कि यहाँ ये था यहाँ वो था। उन्होंने बहुत अच्छा होम टूर दिया। और ये देखिए कितना सुंदर घर है, इतना बड़ा घर जिनका ये ननिहाल दधियाल और घर हुआ करता था। आई एम श्योर आप सभी नॉस्टैल्जिक हो गए होंगे, होम सिक हो गए होंगे। जी हाँ, क्योंकि
ये चीज़ें होती ही ऐसी हैं, जहाँ से आप जुड़े होते हो ना वहाँ से आपके इमोशन कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं सबको डेडिकेटेड है जो आज बाहर रह रहे हैं, कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ लोग शहर के बाहर हैं, आप सभी को ये वीडियो मेरा डेडिकेटेड है। ये सामने द्वारे वाली अम्मा के घर का द्वार है, यहाँ से घर की एंट्री थी। अब विवेक मुझे दिखाने ले जा रहे हैं पूरब द्वार वाला दरवाजा, जहाँ से हर बहू और दामाद की इस घर में एंट्री हुआ करती थी। अच्छा, कितना सोच के बनाया गया होगा ना, सोचो जरा। हमारे दादाजी डॉक्टर थे, हाँ, लेकिन कहते हैं ना बाय नेचर वो एक तरीके से बेस्ट आर्किटेक्ट बोल सकते हैं। तभी तो पापा लोगों में वही चीज आई। अच्छा, दिवाली का दिया रखने के लिए। बताइए, द्वारे वाले अम्मा का घर। उसके बाद विवेक मुझे घर के बाग में ले गए, जहाँ पे खेत भी था, बाग भी था। तो ये सामने जो भी आप देख रहे हैं, आम के बाग और खेत, ये घर का ही है। और चारों तरफ आम देख करके मुझे तो बड़ी लालच आ रही थी, देखिए कैसे आम लगे हुए। आई डोंट नो आपको वीडियो में उतना समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन काफ़ी सारे आम लगे हुए थे। और होता क्या है ना, जब हम लोग शहर में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हम लोगों को ये ज़मीन, ये खेत देखने को नहीं मिलता है, तो जब हम ऐसी जगह आते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा नया नया सा लगता है। भाई जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम लोगों के लिए ये सब देख पाना अपनी आँखों से बहुत बड़ी बात होती है कि ये खेत है, ये पेड़ है। और वो बता रहे हैं कि जहाँ तक वो पेड़ है ना, वहाँ तक भाभी अपना ज़मीन है, अपना ये है, वो सारी चीज़ें मुझे बता रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज हम ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। अभी तो मुझे नहीं पता यहाँ क्या लगेगा, लेकिन बारिश के समय यहाँ गेहूँ, बारिश के बाद आई थिंक यहाँ गेहूँ वगैरह लगाया जाएगा। आई थिंक मैं अपने घर की पहली बहू हूँ जो यहाँ तक आई हूँ। बाकी लोग नाराज मत होना, आप लोग भी आओ ना यार, घूम के जाओ, बहुत अच्छा लगता है। सामने हमारे कुल देवता जी का मंदिर बना हुआ है, स्थान बना हुआ है। मैं वहां पर नहीं गई, मैंने दूर से ही शूट कर लिया और उन्हें प्रणाम किया कि सबको अच्छा रखे हमारे परिवार में। और चलिए चलते हैं वापस। टोटल कितने रूम होंगे विवेक? ऑलमोस्ट 25 रूम्स और 25 रूम, 25 रूम, 3 आंगन और बाकी बरामदा। मैं ना कोई भी मौका नहीं छोड़ती हूँ अच्छी चीज़ों को अपने कैमरे में या अपने साथ कैप्चर करने के लिए। तो इस घर को मैं अपने साथ कैप्चर करना चाह रही थी कि सालों साल जो लोग मेरे बाद भी इस वीडियो को देखें ना, वो अपना घर, अपना गांव देख पाएं। और ये मैंने पांडे जी को भी बुला लिया था। तो अभी हम जा रहे हैं मोहम्मदाबाद के मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने विवेक से कहा कि चलिए भाई अपने घर का, अपने एरिया का मार्केट भी घुमा करके लाइए। तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ से बाज़ार शुरू हो चुका था, अंदर जा रहे थे लेने के लिए, मुझे कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। तो ये यहाँ की बाज़ार है, मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है भाई। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि अंदर इतनी सारी दुकानें होंगी। तो बस चलिए मेरे साथ और थोड़ी सी शॉपिंग करवाइए मुझे। ये वही बाज़ार है जहाँ पर पापा, मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी सबसे ज़िद करके आप सभी बच्चे, जी हाँ मेरे खानदान परिवार वाले बच्चे ज़िद करके आया करते थे कुछ कुछ खरीदने के लिए। विवेक मुझे बहुत अच्छी सी होलसेल दुकान पर लेकर के आए, जो कि एक सरदार जी की है। यहाँ पर मुझे बहुत कुछ ऐसा लेना नहीं था, जो भी चीज़ें लेनी थी, समय था, तो मैंने कहा चलिए इसी शहर से ख़रीदारी कर ली जाए। तो देखिए मैंने क्या क्या ख़रीदा। हम आ गए गोपाल जी चाट भंडार पर। जी हाँ, गोपला का चाट खाने आए हैं। नाम तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि कन्हैया का समोसा दोपहर की चाय के साथ और शाम को ये चाट पकौड़ी वाला नाश्ता आप सभी बच्चों ने किया है ना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो पर्सनली जुड़ा हुआ है इस वीडियो से, वो तो भाई लालच आ गया होगा आप सबको तो, कि मैंने खा लिया, अब आपकी बारी है, आइए और अपना बचपन रिवाइव करिए ये सारी चीज़ें दोबारा करके। अब वक्त आ गया था हमारा वापस जाने का। तो यहाँ चाचा, चाची जी, छोटी बिटिया सब बाय बाय कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वापस। तो ये था हमारा गांव, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे घर वाले, उन सब का गाँव, जी हाँ, नानी का, दादी का, सबका घर यही था।
जो मेरे जानने वाले जो लोग हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो सब बड़े नॉस्टैल्जिक हो गए होंगे ये वीडियो देख करके। मैं अच्छे से जान सकती हूँ उनकी फीलिंग। अब हम वापस जा रहे हैं अपने दूसरे गंतव्य की तरफ, तो चलिए चलते हैं। बहुत थक गई हूँ, अब व्लॉग नहीं करूंगी, शायद यहीं पे ये व्लॉग भी एंड कर दूं। तो मिलती हूँ आपको एक अलग व्लॉग में। एक पूरे बड़े परिवार को एक साथ लेकर के चलना बहुत बड़ी बात होती है। आज तो हर इंसान कमाने के लिए, पढ़ने के लिए अपने घर से दूर है, लेकिन ये सारी चीज़ें आज हम देख पा रहे हैं कि ये वही घर था जहाँ सब लोग एक साथ रहते थे। कितनी बड़ी बात है ना। तो बस इसी सारी चीज़ों के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ करती हूँ एंड। आप सभी को इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और शेयर भी करना है। तो जल्द मिलती हूँ एक नए व्लॉग पे।